नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मुकाबलों की T20 वे 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह T20 और वनडे सीरीज कब से शुरू होगी और साथ ही इन मुकाबलों को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे। पूरा शेड्यूल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 मुकाबलों की T20 और 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन मुकाबलों को अपने नाम पर करें तो दोस्तों, टीम इंडिया एक के बाद एक T20 और वनडे सीरीजें खेलने वाली है। टीम इंडिया सबसे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली है। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच भी 2 मुकाबलों की T20 सीरीज खेलती हुई दिखेगी। इसके बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ODI सीरीज और बाद में T20 सीरीज खेलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं यहाँ पर पूरे शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम इंडिया 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेगी। तो इसके बाद 5 मुकाबलों की एक बड़ी T20 सीरीज भी खेलने वाली है। वनडे सीरीज का आगाज पार्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद से होने जा रहा है, जो कि 22 जुलाई से खेला जाएगा। ODI मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम को 7 बजे शुरू होंगे, यानी कि दोस्तों यह मुकाबला रात्रि 2 बजे तक चलने वाला है। काफ़ी मुश्किलें होगी कि आप इस मुकाबले को पूरा देख पाएंगे, लेकिन वनडे सीरीज के सभी मुकाबले इस समय पर शुरू होंगे। और तो वहीं पर दोस्तों, ये दूसरे मुकाबलों की हम बात करें तो यह मुकाबले भी पार्ट ऑफ स्पेन में ही त्रिनिदाद में खेला जाना है, जहां पर इस मुकाबले की शुरुआत 24 जुलाई को होने वाली है, जो कि भारतीय समयानुसार शाम को 7 बजे ही शुरू होगा। यानी कि दूसरा मुकाबला भी शाम को 7 बजे ही शुरू होने वाला है। तो वहीं पर तीसरा ODI मुकाबला यानी कि आखिरी ODI मुकाबला भी पार्ट ऑफ स्पेन में ही त्रिनिदाद में खेला जाना है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम को 7 बजे 27 जुलाई को खेला जाना है। यानी कि ये तीनों मुकाबले शाम को 7 बजे ही शुरू होंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर T20 मुकाबलों की, तो T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा ट्रोम्बो त्रिनिदाद में, जो कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच 29 जुलाई को खेला जाएगा। हालांकि इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम को 8 बजे शुरू होगी, यानी कि यह मुकाबला शाम को 8 बजे से शुरू होने वाला है। वहीं पर दोस्तों, हम दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला ST किट्स में खेला जाएगा। यह मुकाबला 1 अगस्त को शाम को 8 बजे शुरू होगा, यानी कि यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार शाम को 8 बजे ही शुरू होने वाला है। वहीं पर तीसरा T20 मुकाबला भी ST किट्स में ही खेला जाएगा। यह मुकाबला 2 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम को 8 बजे शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर लगातार 1 अगस्त और 2 अगस्त को हमें T20 सीरीज देखने को मिलने वाली है। वहीं पर चौथा T20 मुकाबला फ्लोरिडो में खेला जाएगा, जो कि 6 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम को 8 बजे शुरू होगा। वहीं पर अंतिम और पाँचवा मुकाबला यहाँ पर फ्लोरिडा में ही खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम को 8 बजे 7 अगस्त को खेला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 अगस्त और 2 अगस्त को लगातार मुकाबले होंगे। तो वहीं पर इसके बाद चौथा और पाँचवा यानी कि 6 अगस्त और 7 अगस्त को भी लगातार T20 सीरीजें खेली जाएगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल टीम इंडिया का फिलहाल नज़र आ रहा है। तो जहाँ पर टीम इंडिया को एक के बाद एक T20 और वनडे सीरीजें खेलनी है, तो दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया में T20 और वनडे सीरीजों के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किस शेड्यूल के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए, किन किन खिलाड़ियों को टीम इंडिया की स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।